देखिए हनी कैसे मिलता है यहाँ पर लिख रहा है लकी में जूते मारो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग्स। तो जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपसे वादा किया था, आज सबसे पहले आपको दिखाऊंगा इस लोकेशन का टूर और उसके बाद हम लोग घूमने चलेंगे फुकेट साथ में। आप लोग तो मेरे साथ रहने वाले हो आज। ये है हमारा बहुत अच्छा सा रूम और इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारी कंजी दीदी को, क्योंकि उसी ने बुकिंग की है सारी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अभी रूम हमें मिला नहीं, मतलब इन लोगों को मिल गया, मुझे और नीतू को अभी रूम नहीं मिला। कितनी सुंदर लड़की है इस रूम में। फ्रेंड्स, ये है हमारा बेडरूम। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना सुंदर है और कितना बड़ा बेडरूम है। ये यहाँ का वॉशरूम है, ये बाथटब, नीतू ने ऑलरेडी पानी भर लिया है अपने लिए, ये आपका फेवरेट लखन, सारा सामान रख दिया इधर नहाने का है। अच्छा यार, कुल मिला के ना रूम बहुत अच्छा है। और सबसे पता है खास बात क्या है यहाँ की, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। दिल थाम के बैठ जाइए, ये देखिए, ये भी हमारे लिए है। और यहाँ पर बहुत अच्छे फोटोशूट हुए हैं, आपने ऑलरेडी सोशल मीडिया पर देख ली होंगे नीतू के फोटोशूट्स, कुछ वो यहीं पर हुए हैं। बहुत अमेजिंग है ये पूरा अपना एरिया। फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता आपको व्यू दिख रहा है नहीं, लेकिन बहुत सुंदर है यहाँ से। और ये हम बिल्कुल बीच साइड रह रहे हैं और ये सी फेसिंग हमारा विला लिया हुआ है हमने यहाँ पर, और हम इस टाइम पहाड़ पर रुके हुए हैं। आप देख सकते हो ये पहाड़ी है एक छोटी सी, और ये देखो व्यू देखो एक बार आप, बस ये बीच है वहाँ पर एंट्रेंस हमारे रूम की। और यहाँ की एक खास बात पता क्या है कि अगर ये 2 मिनट से ज़्यादा ओपन रहता है तो एसी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। काफ़ी बड़ा रूम है, काफ़ी बड़ा। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह हम कहीं बाहर आए और नीतू स्यापा ना कर, ऐसा नहीं हो सकता। फाइंड माय आईफोन, उसका आईफोन ढूंढने जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ रख दिया। मुझे लग रहा है रिसेप्शन पे भूल गया, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस दिखा रहा है दोनों में। चलते हैं। फ्रेंड्स, अपडेट ये है कि महारानी का फोन मिल गया। कहाँ मिला नीतू? मॉम के रूम में। और वहाँ तू देख कर आ चुकी थी एक बार, उसके बाद मतलब क्या कहूँ नीतू मैं तेरे लिए यार। पिछली बार जब फुकेट में आए थे मेरा फोन समंदर में गिरा दिया था, इस बार अपना फोन कहीं भूल गई भाई, हद है नीतू। हम लोग चल रहे हैं, आई मीन जा रहे हैं खाना खाने, और देखो इन दोनों को क्या हो रहा है फोटोशूट। सुन दीदी, हो गया आपका? चले हाँ, देख की रील बनाई मैंने, मेरी बनती तो अच्छी बनती। तुम्हारा पिंक फूलों के साथ फोटो हो गया, मतलब मैंने पिंक स्कर्ट पहने, थोड़े पिंक उसके पिंक फ्लावर्स के साथ लेंगे। लग रहा हम बहुत लेट हो रहे हैं, लेकिन जो भी है फेस पर है। फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं यहाँ पर, रूट कैफे नाम है इसका, नहीं सॉरी रूट सॉल्ट। बहुत अच्छी जगह है, यही हमारा होटल है और यहीं पर इनका कैफे है, और साथ में आप देख सकते हो बीच, लोग वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं, बहुत अमेजिंग यहाँ का माहौल है। हाय, अब हम चले जो यहाँ की फेमस मार्केट है बंगला मार्केट, और जहाँ पर आपने लास्ट टाइम देखा था ना, मैंने नीतू ने कितने मजे किए थे वहाँ। मम्मी और पापा को हम ले आना चाहते हैं वहाँ पे, और हमारे साथ हम 4 ही हैं, करण और दीदी आएंगे बाद। यार ये कितनी अमेजिंग चीज़ है कि यहाँ पे सारा वेदर अपडेट दिया हुआ है इन्होंने, वेदर फोर का डेट आज का, सनराइज कितने बजे होगा, सनसेट कब होगा, वेदर कैसा रहेगा, क्लाउडी, एयर टेम्परेचर दिया हुआ है, साथ में हाई टाइड के लिए, ताकि लोग वार्निंग पढ़ के तब बीच पर जाए, उस टाइम को अवॉइड करें। तो बहुत अच्छा है यार ये। हम लोग आए हैं इस प्यारे से बीच में। हाय मॉम, याद है लास्ट टाइम हम इसी जगह आए थे, लेकिन हम इतनी रात में आए थे। हाँ, बीच तक नहीं दिखा। अभी ये टाइम अच्छा है ना आने का, बहुत सुंदर लग रहा है। और हमारा मेन मकसद क्या है यहाँ पर आने का, मतलब मार्केट घूमना तो है, सेकंड कि यहाँ पर एक झूला है वो देखना। अच्छा सॉरी, व्लॉग में पाई नहीं है। और पाई कोकोनट वाटर पिया जा रहा है, ठंडा है, मलाई निकाल के खाओ। कैसा है? तुमने पिया नहीं है? सबसे बड़ी चीज़ है मलाई खाओ। हमारे भी आगे लग सो। यार बहुत सुंदर लग रहा है आज तो ये लोकेशन। मम्मू क्या दूसरा ले आई? एक कम पड़ गया था। नहीं गया। हम लोग आए हैं, ये कौन सी स्ट्रीट है? ये बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट, बहुत सुंदर है, अलग ही दुनिया है। हम इतनी हैप्पी चीज होती है। भाई अपना मस्त अकेले। भाई कैसी लगी ये दुनिया? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखते हैं मम्मी जीतेंगी या पापा, दोनों में से कौन जीतेगा यहाँ पे। तो रियल कैसे होगी यार ये? स्टार्ट। गुड शॉट, गुड शॉट।
बहुत दूर था। ये है पापा का रिपोर्ट कार्ड। देख ओ वाओ बिल्कुल बीचों पे मैंने मारे, मैंने कम से कम 10-8 चलाई, 10 में से जाता तो सब इसी में मारी है मैंने। अच्छा ये तो मारी जो पूरा मारी है इसमें। ये तो नहीं था मैम, यही था इसी में मारा था ना कभी। है ऐसा नहीं पता कोई नारा हो भाई। नीतू को सिखा रहे हैं शूटिंग करना, कितना ही सिखा लो निशाना वहाँ नहीं लगेगा। ये बड़ा रोल मर। अब एक शॉट भम्मू। शांति वाली जगह में थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। मॉम को ये बैग बड़ा पसंद आया है और यहाँ पर गणेश जी भी रखे हुए हैं। दस ये पता किस चीज के बने? हाँ, इसकी खासियत क्या है कि ये नारियल से बना है ना, कोकोनट से। वाओ कितनी अच्छी आर्ट की हुई है इन सब पर। मॉम इसमें नूडल्स खाएंगे। हाँ नीतू का इंतजाम हो गया। फ्रेंड्स इस प्लेस का नाम है मद्रास कैफे। यहाँ पर होपफुली हमें इंडियन खाना मिली, वैसे मिली जाएगा इंडियन खाना। हम इधर आ गए हैं भटकते भटकते। हमारा हो गया है डिनर डन। बेटा नींद तो अकेला भी नहीं जाने देंगे। और मुझे नींद आने लगी तो मैंने बोला कि मैं अकेले चली जाती हूँ, तो भाई बोला नहीं अकेले नहीं जाना। मतलब मुझे ना नींद आ जाती है खाना खाने के बाद, और रात में तो स्पेशली आ जाती है। कम ऑन नीतू जीतना है, क्या लगता जीत जाएंगे? और ये रियलिटी में भी ऐसी ही गाड़ी चलाती है। वाह जीजी गाइस आज एक अमेजिंग दिन हमारा अभी खत्म होता है। ये तो बहुत मजा आया जाना। मम को देखो क्यों मम्मू को ठंड लग रही है। अरे आपको भी ठंड लग गई है? अब बारिश हो रही है पर वेदर अच्छा नहीं। मम बहुत अच्छा मौसम है। हाय लगन, गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। कितना सुंदर व्यू है। हम लोग जा रहे हैं फीफी आइलैंड, जहाँ पर हम पहले भी गए थे लास्ट टाइम, और अभी भी आज भी हम वहीं पर जा रहे हैं। और देखो सोन दीदी की तैयारी। सोन दीदी को देखो कितनी जल्दी जाने की। लखन और सोन दीदी की चल रही है कॉफी, और डांट भी चल रही है यहाँ पे। डांट भी चल रही है। अच्छा और ये है मेरा ब्रेकफास्ट। दीदी का क्या है? दीदी पैनकेक्स। फर्क नहीं पड़ रहा, ब्रेकफास्ट ऐसे ही खाती है। हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ा सच में। मॉम सबको खिला रही है हाथ से छोले चावल, छोले और रोटी, पता नहीं क्या है वो। अच्छा गाइज जो मुझे सबसे अमेजिंग चीज लगी ना यहाँ की, देखिए हनी कैसे मिलता है यहाँ पर। अब आप देखना ये रहा, और हम हनी लेंगे ऐसे। वाओ एकदम रियल हनी। तो ये दोबारा यहाँ से हनी निकाल रही है, ये मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ ऐसा होता हुआ होटल में। हाँ वैसे भी डिस्कवरी वगैरह पे देखा है। बस हो गया। हाँ फ्रेंड्स अभी नीतू ने हनी निकाला है यहाँ से, और कितना अच्छा लगा हो क्या बताऊँ। मुझे टेस्ट कैसा है इसका? बहुत टेस्टी। सही में एकदम नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल। और यहाँ पर फ्राइड राइस मिल गए हैं फाइनली। इंडियन खाना कहीं बाहर मिल जाए ना जन्नत से कम नहीं है, है ना नीतू? ये मैंने एक और कॉफी मंगाई है। भम्मू बताओ इसमें क्या लिख रहा है? ये इस पर लिख, अरे भाई एन नहीं लिख रहा, इस पर लिख रहा लकी को पैसे दो। लिख रहा है अब क्यों खाते रहूंगा। चलो फाइनली चल रहे हैं फीफी आइलैंड। सो गाइस हम पहुंच गए अभी यहाँ पर, हमारा है प्राइवेट यॉट। अरे यार चलो ये लो आओ भाई, पाई को जरूर दिखाना। ये लो पाई, सबसे पहले तू निकला था, सबसे वीडियो बनाएगा पहले है नहीं तो। गिनती पूरी है, एक दो, एक डेढ़ पाँच छ सात आठ साढ़े आठ दो ना तीन एक बाद में और जोड़ा नहीं, वो नीतू का आधा था ना करी खा। मम्मू क्या हुआ? लस्सी में कूद के आते स्वागत है
भी करेंगे, भाई भाई। ओके।